हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मैस्टाइटिस के बारे में, पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए मैस्टाइटिस क्या है, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, आपने देखा होगा रेडनेस एरिया लाल हो जाता है वहाँ पे, सूजन हो जाती है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ये क्या प्रॉब्लम, ये क्या वजह है, यानी ये कैसे होता है, क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है, क्या टेस्ट जरूरी हैं, यानी डायग्नोसिस की हम बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशन की हम बात करेंगे, इनिशियली शुरुआती टाइम पे ठीक नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत, क्या नुकसान इसके हो सकते हैं, और हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की भी बात करने वाले हैं। ट्रीटमेंट को हम तीन कैटेगरी में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम होम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि घर पे ही कुछ नुस्खे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, कैसे बचना है, क्या सावधानियां हैं। फिर हम एलोपैथिक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं कि एलोपैथी में कौन कौन सी, और लास्ट में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है मैस्टाइटिस के केसेस में जो आप यूज। जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो दवाओं के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड, वहां से आप मेडिसिन खरीद के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, परिभाषा की, व्हाट इज मैस्टाइटिस, मैस्टाइटिस क्या है। देखिए मैस्ट वर्ड यूज होता है ब्रेस्ट के लिए, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन हो जाना। तो मैस्टाइटिस है ब्रेस्ट टिश्यू का इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाना। तो ब्रेस्ट टिश्यू में अगर इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, वो हम कारण में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको हम मैस्टाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसके जो है कॉजेस की, कि इसके पीछे वजह क्या है। देखिए एक दो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि मैस्टाइटिस एक यूजुअली जो मैस्टाइटिस है ज़्यादातर लैक्टेटिंग फीमेल, यानी जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं जो फीमेल, उनमें यूजुअली देखा जाता है, तो जिसको हम लैक्टेशन मैस्टाइटिस भी कहते हैं, यूजुअली ये उन्हीं में देखा जाता है। उसके साथ साथ देखिए मिल्क वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, अगर मिल्क पूरा अच्छे से पास आउट नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, तो यूजुअली ये प्रॉब्लम तब देखी जाती है। रेयरली ये जो है जो नॉन लैक्टेटिंग होती हैं उनमें भी देखा जाता है, अनकॉमन है कि जो फीड नहीं कराते हैं उनमें भी देखा जाता है, और साथ ही साथ रेयर टू रेयरेस्ट है कि ये पुरुषों में भी प्रॉब्लम कभी कभी देखी जाती है। कॉजेज़ की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, देखिए कॉजेज़ कहें या टाइप्स कहें, इसको हम दो कैटेगरी में रखेंगे। एक तो है कि नॉन इन्फेक्शन, यानी बिना किसी इन्फेक्शन के, और दूसरा हम इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं। तो देखिए नॉर्मली हमने जैसा बात करा कि ये जो कॉमन है यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है वो लैक्टेटिंग फीमेल, यानी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड देती हैं बच्चों में, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। अब उनमें ये प्रॉब्लम कैसे होती है, नॉर्मली जो आपकी जो है मैम लैक्टेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, यानी मिल्क वाली जो ग्लैंड होती है, ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ से दूध बनता है, वहाँ से एक नली आती है जिसको हम जो है मिल्क डक्ट कहते हैं, नली से होते हुए निप्पल में मिल्क डिस्चार्ज होता है। तो अब जो डक्ट थी, यानी जहाँ से मिल्क आ रहा है, वो अगर दब जाती है, उसका ब्लॉकेज है या क्लॉगिंग हो गई है किसी भी वजह से, अगर वो डक्ट बंद हो जाती है तो ऑब्वियसली बात है दूध नहीं निकल पाता है, दूध वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, इसको हम मिल्क स्टैसिस कहते हैं, और वहाँ पे मिल्क स्टैग्नेशन भी, यानी और ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, बाहर नहीं निकल सकता है, तो वहीं पे इकट्ठा होता रहता है और बैक्टीरिया को एक मीडियम दे देता है ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से मिल्क स्टैग्नेशन के केसेस में, यानी दूध अगर वहाँ देखी जाती है। अब देखिए जो ब्लॉकेज है वो किस वजह से हो सकते हैं, मान लो ये जो ब्लॉकेज है यहाँ पे वो बंद हो जाती है डक्ट, नलियाँ दूध की जो नलियाँ हैं वो बंद किस वजह से हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो बच्चे का कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है कि बच्चा दूध नहीं ले पा रहा है अच्छे से, सक बच्चा प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो मिल्क अच्छे से नहीं ले पाता है, हम बात कर रहे हैं हो जाता है, तो एक रीज़न हुआ बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता। दूसरा अगर आपकी टाइट क्लॉदिंग है, यानी कपड़े आपके ऐसे हैं कि टाइट है और उनकी वजह से प्रेशर लग रहा है, तो एक पॉइंट पर प्रेशर लगते लगते वो बंद हो सकता है, तो टाइट कपड़े भी इसके लिए ब्लेम किए जाते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका पूरा प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर आप इनफ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड कराते हैं, यानी आप एक रेगुलर बेसिस पे बच्चे को फीड नहीं करा रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे नहीं करा रहे हैं तो दूध वहाँ पे कभी जा रहा है, कभी इकट्ठा हो रहा है, तो वो दूध एक तरह से वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और एक वो मीडियम दे रहा है इन्फेक्शन के लिए, तो भी ये वजह बन सकती है। यानी ये कुछ रीजन है, किसी भी वजह से अगर वो जो है डक्ट है नली अगर ब्लॉक बंद हो गई है प्रेशर की वजह से या दूध नहीं निकल पाने की वजह से, तो ये जो है कारण बन सकता है। सेकंड पे हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, कि इन्फेक्शन की वजह से भी है,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है। देखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते क्योंकि हमारा स्किन इंटैक्ट होता है, यानी उसमें कोई कट वगैरह कोई नहीं लगा होता है। बट अगर आपको ड्राइनेस हो गया, निपल ड्राइनेस, निपल में क्रैक्स आ गए हैं, तो एक जो है वहाँ पे ब्रेक आ जाता है स्किन में और वहाँ पे इजीली बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस यूजुअली जो है वहाँ पे ग्रो करके इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नॉर्मली जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं देखा जाता है, बट अगर वहाँ पे दूध इकट्ठा हो गया है और फिर उसके लिए वो मीडियम बन जाता है, यानी माध्यम बन जाता है ग्रो करने के लिए, और बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं और मैस्टाइटिस यानी ब्रेस्ट में सूजन कर सकते हैं, तो ये भी एक वजह है। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, जैसा कि हमने बताया था कि जो नॉन फीडिंग होती है, नॉन ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं उनमें भी कई बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उनमें कब देखी जाती है, उनमें या तो फिर लेट 20s में देखी जाती है या फिर अर्ली 30s में, यानी 20 की उम्र लास्ट स्टेज में या फिर 30 के स्टार्टिंग में देखी जाती है। और वो जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम कॉमनली देखने को। फिर बात करते हैं हम, कई बार मैस्टाइटिस आपको निपल पियर्सिंग के बाद भी देखा जाता है, यानी अगर आप छेद करवा लेते हैं कोई अनप्रोफेशनल अनट्रेंड से तो वो इन्फेक्शन कर सकता है, और कई बार निपल पियर्सिंग के बाद भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे साइन और सिम्टम्स, साइन लक्षण क्या, सफरिंग क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देखिए मैस्टाइटिस है ब्रेस्ट का टिश्यू का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, तो यहाँ पे रेडनेस यानी एरिया लाल हो सकता है, सूजन है तो ऑब्वियसली आपको उठा हुआ सूजन स्वेलिंग वहाँ पे नजर आती है। और कोई भी देखिए इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो उसमें रेडनेस होना, स्वेलिंग होना, और एरिया को अगर आप टच करते हैं तो गर्म लगना, थोड़ा गर्माहट वहाँ पे होती है, हीट वहाँ पे होती है एरिया, और उसकी वजह से आपको खुजली होना, जलन, बर्निंग, ईचिंग, ये सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कई बार, तो क्या होता है वहाँ पे पस बन सकती है, पस वहाँ पे जमा हो सकती है, और अगर पस बन गई है, पस जमा हो गई है, तो वो जैसे फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे बुखार जैसे सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, बुखार, फीवर, टेम्परेचर आपका बढ़ सकता है, टेम्परेचर हाईराइज टेम्परेचर इसमें देखने को मिल सकता है, और थकान, मैलेस, कमजोरी से जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं अगर वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गई है। बाकी डिपेंड करता है किसका किस कर सकते हैं, सबके अलग अलग हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डायग्नोसिस की, जांच की, निदान की, कि इसके लिए क्या टेस्ट है। कि बहुत ही फेयरली डायग्नोसेबल है, बहुत आसानी से पता लग जाता है कि मैस्टाइटिस है, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, पूरा सिम्टम कलेक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका, फीडिंग है, नॉन फीडिंग है, क्लियर कट हो ही जाता है। उसके बाद जो है इसका ऐसा भी देखा गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर का और मैस्टाइटिस का सिम्टम्स मैच करते हैं, दोनों में स्वेलिंग, दोनों में रेडनेस, तो इसलिए इसका कैंसर का रूल आउट करना यानी कैंसर की जांच होना जरूरी है। अगर आपका ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जैसे मान लो आपको प्रॉब्लम है और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको फर्क नहीं लग रहा है, तो इसको रूल आउट करना, कैंसर करना जरूरी है कि कहीं कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो या तो आप जो है कैंसर के टेस्ट करा सकते हैं, या फिर कई बार ब्रेस्ट का जो मिल्क जो है सैंपल वो लिया जाता है देखने के लिए कौन सा इन्फेक्शन है, और कैंसर के टेस्ट के लिए बायोप्सी, कैंसर टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टिश्यू सैंपल है, लेकिन ये एडवांस टेस्ट तभी करे जाते हैं जब आपका ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता और प्रॉब्लम आपको बार बार होती रहती है, तो ये टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की, क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप इस प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करते हैं। देखिए जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो रिकरेंस हो सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम बार बार हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया, या फिर लेट आपने ट्रीटमेंट लिया तो बार बार रिकर कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आपको बार बार हो सकती है। जो है सेप्सिस बन सकता है, सेप्सिस की अगर हम बात करें, सेप्टिसीमिया भी हम कहते हैं, सीवियर इन्फेक्शन होता है और काफ़ी क्रिटिकल केस होता है, तो फिर आपको डॉक्टर को इमरजेंसी विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और एप्सिस की हमने बात करी है कि एप्सिस यानी कलेक्शन ऑफ पस, वहाँ पे पस इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होते होते ज़्यादा हो सकता है, तो उसका ड्रेनेज करना या फिर उसके लिए मेडिसिन लेना भी ज़रूरी है। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है इसके देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रीटमेंट पार्ट की, होम ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सबसे पहले होम ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं, घर पे ही कुछ नुस्खे हैं आप अपना सकते हैं। देखिए अगर हम मेन रूट कॉज में जाएं तो देखिए इसमें प्रॉपरली अगर आप फीड नहीं करा रहे हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं से अराइज हो रही है, तो आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहले तो आप क्योंकि फीड करा रहे हैं तो आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ठीक ठाक लेना है, क्योंकि एक तरह से आप फीड करा रहे हैं तो बॉडी में रिक्वायरमेंट जरूरी है, तो पानी आपको सही लेना है, प्रॉपर रेस्ट। देखिए फीडिंग जो मदर्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, इन्फेंट बच्चे होते हैं, उनको बार बार रिपीटेडली फ्रिक्वेंटली फीड कराना होता है, तो उनको रेस्ट करना भी जरूरी है,
ताकि बॉडी को रेस्ट मिले। तो प्रॉपर जो है रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और दो चार बातें जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो उससे पहले आप ब्रेस्ट एरिया को सबसे पहले तो गुनगुने गर्म कपड़े पानी से उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और हल्का फुल्का आप साफ़ कपड़े का, गर्म कपड़े का होल्ड, जिसको हम होट कंप्रेशन भी कहते हैं, उस वो आप लगा सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू पे। ऐसे ऐसे अगर आप लगाते हैं, सिकाई करना जिसको हम कह सकते हैं, तो उससे थोड़ा वो नॉर्मल हो जाता है और बच्चे को फीड करने में आसानी रहती है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो ये कर सकते हैं। और फीड कराने के बाद आपको दोबारा से एरिया क्लीन करना होता है। प्रॉपर कॉन्टैक्ट, बच्चे का प्रॉपर कॉन्टैक्ट रहेगा, आसानी से बच्चा सक करेगा, आसानी से निकलेगा। तो इस तरीके से कोई थोड़ा बहुत दूध लगा हुआ भी होता है तो आप उसे साफ कर सकते हैं। फीड कराने के बाद आपको ठंडे पानी से या फिर ये कहीं ठंडाई से वहाँ पे सिकाई करनी जरूरी है, ताकि जो भी हुआ है सब वापस नॉर्मल सेट हो जाए। तो फीडिंग से पहले आपको गर्म पानी से सिकाई करनी होती है, फीडिंग के बाद आप ठंडे से कर सकते हैं। और बीच बीच में इस तरीके से जब भी आपको ब्रेस्ट हार्ड लगे, आप जो है गर्म कपड़ा लिया, गर्म पानी में डिप करा लिया और थोड़ी सी उसकी सिकाई कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको राहत मिल जाती है। और फ्रीक्वेंटली फीड कराना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप मान लो फीड कराते हैं, कभी फीड कराया कभी नहीं कराया, तो दूध वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो आपको इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो बेटर है कि आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे को फीड कराएं, ताकि जो है आसानी से वो जो है मिल्क डिस्चार्ज होता रहे और वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें इन्फेक्शन की वजह से, हमने बताया था कि यहाँ पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आपको इन्फेक्शन कम करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा, हमने यहाँ पे टेम्परेचर की भी बात करी थी और पेन की भी बात करी थी कि दर्द भी होता है। तो अगर आपको पेन है और टेम्परेचर भी है तो आपको एंटीपायरेटिक देते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करने की मेडिसिन और दर्द को कम करने की मेडिसिन दी जाती है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली होम्योपैथिक दवाओं की। देखिए होम्योपैथिक दवाइयाँ इंडिविजुअल बेसिस पे होती हैं, कंप्लीटली केस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकती हैं। एक बार में सिर्फ एक मेडिसिन आपको यूज़ करनी है और सिम्टम के अकॉर्डिंगली मेडिसिन यूज़ करनी है। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, एक बार के हिसाब से आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एकोनाइटम। देखिए एकोनाइट नैपलस, एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है, मेस्टाइटिस में या किसी तरह के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकोनाइट का इंडिकेशन रहेगा सडन, अचानक से अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, और साथ ही साथ थोड़ा सा एंजाइटी भी, आपको थोड़ा टेंशन भी है, एंजाइटी भी है, और साथ ही साथ में आपको मेस्टाइटिस है, यानी ब्रेस्ट आपकी सूज गई है, लाल हो गई है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, तो एकोनाइट यूज़ कैसे करना है? जैसा कि हमने बताया, ड्रॉप पर लगे हुए हैं, दो दो तीन तीन बूंदें सीधा जबान पर लेनी है, जलन होने पर थोड़े से पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। दिन में दो तीन बार खाने से पहले लगातार मेडिसिन यूज करें, जब तक आपको फर्क नहीं पड़ जाता है। फर्क पड़ जाए धीरे धीरे करके दवा बंद कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ने पे दवा को और कंटिन्यू आप। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे बैलोडोना। देखिए बैलोडोना भी आपने देखा होगा, बैलोडोना में सडन वायलेंट अटैक्स होते हैं, यानी पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत ज़्यादा सूजन होना, बहुत ज़्यादा रेडनेस होना, और बैलोडोना में साथ ही साथ फीवर टेम्परेचर भी आना, यानी अगर आपको बुखार भी है उसके साथ साथ टेम्परेचर भी आपका हाई रहे, यूज कर सकते हैं। लेना वैसे ही रहेगा, दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार, दो चार, जितना भी, जब तक आपको आराम नहीं पड़ता, दो चार हफ्ते मिनिमम आपको मेडिसिन लेना पड़ सकता है। साथ ही साथ में सावधानियां आपको बरतनी है जो हमने आपको बताया है। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे ब्रायोनिया। देखिए ब्रायोनिया एल्बा मैस्टाइटिस के केसेस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और ब्रायोनिया तब दी जाती है जब आपको स्टोनी हार्डनेस, यानी आपको ब्रेस्ट में ऐसा लगता है वहाँ पे जैसे कुछ पत्थर जैसा जमा हो गया है, हार्डनेस आपको नजर आती है ब्रायोनिया के केसेस में, और मोशन एग्रवेशन जब बच्चा फीड करता है तो भी आपको दर्द होता है, यानी हल्का फुल्का आप टहलते भी हैं तो भी आपको दर्द होता है, किसी भी तरीके का एक्टिविटी मूवमेंट है आपको ब्रेस्ट में दर्द होना, और साथ ही साथ में स्टोनी हार्डनेस, तो आप ब्रायोनिया एल्बा ले सकते हैं। दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले वैसे यूज़ करना होता है लगातार दो चार हफ्ते। यहाँ पे रखा हुआ है क्रोटॉन टिक। देखिए क्रोटॉन टिक भी मैस्टाइटिस में काफ़ी अच्छा मेडिसिन है। क्रोटॉन टिक आपको ऐसे लेना होता है, क्रोटॉन टिक जब आप फीड कराते हैं, जब बच्चा फीड करता है जब, तो आपको बैक में पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रूसिएटिंग, बहुत ही सीवियर पेन देखा जाता है क्रोटॉन टिक में, तो सेम वैसे यूज़ करना है। दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप यूज़ कर सकते हैं, सीधा जबान पे लें, जलन होने पे आप पानी में ले सकते हैं। और फिर हमने रखा हुआ है ओसालिशिया रखा हुआ है, ये दो मेडिसिन रखी हुई हैं। ये दोनों मेडिसिन आप कब ले सकते हैं? हिपासल्फ तब ली जाती है जैसा हमने बात करा था, पस कलेक्शन यानी एब्सेस बन जाना है, तो हिपासल्फ आप तब ले सकते हैं। और हिपासल्फ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी पेन के लिए भी बहुत ज़्यादा, टच करने पर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही साथ में जो है बहुत ज़्यादा पस डिस्चार्ज वहाँ से आना, तो हिपासल्फ ले सकते हैं आप। हिपासल्फ वैसे ही पस, जब वहाँ पे पस, दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार वैसे ही लेना है, एक बार में एक मेडिसिन यूज़ करना है सिम्टम के अकॉर्डिंगली। और सालिशिया भी हमने रखा हुआ है। देखिए सालिशिया भी तभी यूज़ करना होता है जब आपको पस फॉर्मेशन हो जाती है,
तो दोनों में से एक पर्सन में सैलिशा में से एक मेडिसिन आप ले सकते हैं सिम्टम के अकॉर्डिंगली। और एक और मेडिसिन होता है फाइटोला का, बहुत अच्छा मेडिसिन है फाइटोला का। ऑलमोस्ट 50% केसेस में फाइटोला का बहुत अच्छा वर्क करता है। फाइटोला का में भी टेंडरनेस देखी जाती है, स्वेलिंग देखी जाती है और बहुत ज़्यादा अगेन हार्डनेस उसमें देखी जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियोज़ आपकी मदद कर सके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। और वीडियो की स्क्रीन पर भी अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हम अलग अलग वीडियोज़ आते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।